जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको वामन द्वादशी की कथा सुनाऊंगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए और राजा पली के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु का ऐसा पहला अवतार है जब वह पहली बार मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। तो आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा। विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है, दैत्य माता दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु आदि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्लाद हुआ और प्रह्लाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन अपने पिता प्रह्लाद की तरह ही भगवान विष्णु के भक्त थे और दानवीर थे। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी राजा बलि एक महान योद्धा थे, विष्णु भक्त थे और दानवीर थे। उनकी प्रकृति उदार थी, परंतु उन्हें अपनी शक्ति और वैभव का अहंकार था। वास्तव में राजा बलि अपनी पूर्व जन्म में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले एक महापापी ज्वारी थे। वह सदा ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहते थे। एक दिन उन्होंने कपट पूर्वक जुए में बहुत सा धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का एक त्रिकोणा बीड़ा बनाकर गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्या को भेंट देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उनके पैर लड़खड़ा गए और वो पृथ्वी पर गिर गए। गिरने पर क्षण भर के लिए उन्हें मूर्छा आ गई। जब उनकी मूर्छा दूर हुई तब अपने पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उनके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। उस ज्वारी के मन में अपने कार्यों के लिए बहुत दुख हुआ और वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध पुष्प आदि सामग्री भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य का काम उनके द्वारा किया गया। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उन्हें यमलोक लेने गए तब यमराज ने उनसे कहा, तुम अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरक की यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, हे देव, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव को समर्पित किए थे। तुम्हारे इसी सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बातें सुनकर ज्वारी ने कहा कि मैं पहले अपने शुभ कर्म को भोगने की इच्छा रखता हूँ। उनके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के सहित वहां आ गए और उसे एरावत हाथी पर बैठाकर इंद्र भवन ले गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर इंद्र ने उसके लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। जब वह ज्वारी इंद्र के सिंहासन पर बैठा तब उसने दान देना आरंभ कर दिया। महादेव शिव के प्रिय भक्त एरावत हाथी को उसने अगस्त्य ऋषि को प्रदान कर दिया। उच्च शिवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गाला मुनि को समर्पित कर दिया। उसने कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दिया और जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई थी तब तक वह ऐश्वर्य और वैभव की समस्त चीजों को दान देता रहा। 3 घड़ी के बाद यमराज के दूत उसे वापस लेने आए। ज्वारी के दान पुण्य कर्म से यमराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही ज्वारी अगले जन्म में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। जब बलि गर्भ में थे तब उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके घर गए और उन्होंने विरोचन से कहा, हे राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की इच्छा सुनकर विरोचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय आपको अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना निष्कंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच समझ कर कहा कि मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रह्लाद पुत्र विरोचन ने प्रसन्नता के साथ अपने हाथों से अपना मस्तक काट कर इंद्र को दे दिया। जब बलि बड़े हुए तब उन्हें उनके पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार बना लिया। जब बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तब स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपने भय का उन्हें कारण बताया। तब बृहस्पति जी ने कहा कि राजा बलि त्रैलोक्य विजयी हो गए हैं, इसीलिए देवतागण स्वर्गलोक छोड़कर कहीं अन्य चले जाएं। गुरुदेव बृहस्पति की ऐसी बातें सुनकर सभी देवता निराश होकर अपनी माता अदिति की शरण में चले गए।
माता अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री और महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थी। देवताओं की स्थिति जानकर माता अदिति ने कहा कि तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। सभी देवताओं को आश्वस्त कर वे महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगी। महर्षि कश्यप सृष्टि कार्य से विरक्त हो चुके थे और नारायण के ध्यान में समाधि में थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तब उन्हें अपनी पत्नी अदिति का ध्यान आया। फिर वे अपनी पत्नी अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में पहुंचने पर देवी अदिति ने उन्हें बलि के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार किए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के बाद कश्यप जी ने देवी अदिति से कहा कि तुम नारायण की उपासना करो, उनके अतिरिक्त इस विपत्ति को कोई दूर नहीं कर सकता। तुम पयोव्रत के अनुष्ठान से श्री हरि को प्रसन्न करो। महर्षि कश्यप के कहे अनुसार देव माता अदिति ने 12 दिनों तक पयोव्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की। सभी देवता भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी परम सतव नाम के स्रोत्र द्वारा भगवान का स्तुन करने लगे। देव माता अदिति, महर्षि कश्यप और इंद्र आदि सभी देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इंद्र का राज्य उन्हें वापस दिला देंगे। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वे माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और देवी अदिति के संतान के रूप में वामन रूप धारण कर उत्पन्न हुए। भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न में प्रयाग में वामन भगवान का अवतरण हुआ। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। मर्ग चरम और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी ने उन्हें चंद्र चरण पादुकाएं भेंट की। तब राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। तब एक दिन उसने दैत्यों से कहा कि संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर मेरे समीप स्वर्गलोक में आकर निवास करें। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक में अपना निवास बनाना चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी होगी और यह आराधना भूलोक पर संभव है। तब राजा बलि स्वर्गलोक पर अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए अपना अंतिम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा कि हे राजन, हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रह्लाद जी हुए जो बड़े विष्णु भक्त हैं। उन्हीं प्रह्लाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे जो संसार में विरोचन नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। हे राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपने यश का विस्तार किया है। आपने तो इंद्र को भी जीत लिया है। आपकी ख्याति दान देने वालों के रूप में है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आप कुछ और मांग लें। तब वामन देव ने कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि ही दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन देव को पहचान गए। उन्होंने राजा बलि को सचेत करते हुए कहा कि यह साक्षात भगवान विष्णु है, आप इन्हें जमीन देने से मना कर दें। इनके छल में आने से आपका सर्वस्व चला जाएगा। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आए हैं। इन्होंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। तब शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा कि मैं प्रह्लाद का पुत्र हूँ, वचन देने के बाद पीछे नहीं हट सकता। बलि से भूमि दान का संकल्प लेने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप में उपस्थित हो गए। उन्होंने 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे में ऊपर के सभी लोगों को नाप लिया। उनका दूसरा पग सत्यलोक में जाकर ठहरा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सबके लिए परम मंगलमयी गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में संपूर्ण जगत को नापने के बाद भगवान वामन अपना विराट रूप छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि अब बताइए, मैं अपना 3रा पग कहाँ रखूं? यदि तुम अपने संकल्प से विमुख होते हो तब तुम्हें नरक का भागी होना होगा। तब राजा बलि ने अपना मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना 3रा पग रख दें।
राजा बलि ने कहा कि संपत्ति का स्वामी संपत्ति से भी बड़ा होता है। सब कुछ गवा देने के बाद भी राजा बलि के अपने वजन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उसका राज्य वापस मिल गया। जब भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया, तब राजा बलि ने वामन देव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं से सदा ही सुरक्षित रहे। ऐसा वरदान देने के कारण भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु सह शरीर उपस्थित रहकर आठों पहर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण वैकुंठ धाम में सभी इसी बात से चिंतित हो गए कि अब वैकुंठ धाम का क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने राजा बलि से कहा कि वह उन्हें अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को स्वीकार कर लिया और इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि उनके सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, जिसे आपने प्रहरी के रूप में अपने पास रखा है। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रहरी के कार्य से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा बलि ने लक्ष्मी जी से कहा, यदि आप यहाँ आई हैं तो कुछ दिन पर यहीं रुकें, हमें आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। तब लक्ष्मी जी ने उनके आग्रह को मान लिया। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक मास की त्रयोदशी तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर रहते हैं। धनतेरस के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित वैकुंठ लोक को वापस आते हैं और तब दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो ये थी भगवान के वामन अवतार की कथा, जिसे वामन द्वादशी के दिन सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।